पाठ 23 में तुम लोग को विभाजन सूत्र बतलाए थे, सेक्शन फार्मूला। पाठ 24 में उस पर आधारित प्रॉब्लम्स, पहला प्रॉब्लम, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं दो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करती है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं पहला बिंदु और दूसरा बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो मान लो पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, तो पहला बिंदु का 4-3 निर्देशांक, दूसरे का 8-5। प्रश्न में है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी दो बिंदु ए और बी है जिसका एक्स नियामक 4-3 एक्स नियामक 4-3, दूसरे बिंदु का एक्स नियामक 8-5। तो दो बिंदु है, दोनों बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड ये भी हो गया। उस तो दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड पर कोई एक बिंदु है जिसका निर्देशांक निकालना है, यानी एक्स नियामक और वाई नियामक, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड को आंतरिक रूप से, का मतलब हुआ अंदर से, सब कहोगे बाह्य रूप से भी होता है तो होता है, जो तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड को, इस पर स्थित एक ऐसा बिंदु है, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु सी है जो दोनों को दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करती है, अर्थात पहला 3 भाग है तो दूसरा 1 भाग है, 3:1, यानी एसी हो गया, यहाँ एसी हो गया M1 पहला भाग, दूसरा भाग CB, M2 होगा, तो पहला भाग AC/CB कितना है 3:1, ये हो गया M1 3 भाग, CB 1 भाग होगा ना। अब बिंदु सी का एक्स नियामक और वाई नियामक निकालना है, बिंदु सी का एक्स नियामक एक्स, वाई नियामक वाई, मान लो, प्रश्न को समझा, बिंदु सी का एक्स नियामक कितना होगा विभाजन सूत्र से, एक्स नियामक M1 M2, लिखो M1 M2, तू नहीं आए थे, इसके बाद M1 है तो एक्स नियामक निकालना है तो X2, एक्स नियामक निकालना है, यहाँ 2 है तो 1, बीच में जोड़, यह ना फॉर्मूला है। यहाँ पर एक आप हो गया ए बिंदु का X1 Y1, ये हो गया X2 Y2, बिंदु सी का एक्स नियामक वाई नियामक निकालना है, तो दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड पर कोई बिंदु रहता है तो उसका एक्स नियामक, फॉर्मूला इतना होता है, अब मान बैठाओ M1 का मान 3, X2 देखो 8 है, प्लस M2 कितना है 1, X1 4, M1 3 जोड़
एम टू ए कितना हो गया, आठ तरीक 24 जोर चार तीन चार 24 चार 28 बटा 4 बराबर 7 समझा तथा बिंदु सी का वाई नियामक तो फार्मूला से एम वन वन है वाई नियामक निकालना है तो वाई टू होगा एम वन के बाद एम टू वाई टू हो गया यहाँ एम टू है दो है तो उल्टा कर दो एक नीचे में एम वन जो एम टू होगा अब फार्मूला पर सब काम चलेगा वाई नियामक एम वन कितना हो गया एम वन का मान 3 वाई टू देखो 5 है प्लस एम टू हो गया 1 गुने वाई वन माइनस 3 है बटा एम वन 3 एम टू 1 3 पंचे 15 प्लस माइनस 1 दिया 3 एक 4 15 में 3 गया 12 बटा 4 बराबर 3 एक्स नियामक वाई नियामक निकल गया अंत में लिखेंगे अतः बिंदु ई का एक्स नियामक कितना निकला 7 तथा वाई नियामक कितना 3 यानी ये निकला 7 और ये निकला 3 यही हो गया आंसर फार्मूला पर रख देना है सब कुछ समझा इसको श्रोतर उदाहरण 7 बिंदु जिसका एक्स नियामक माइनस 4 वाई नियामक 6 बिंदुओं ए और बी ए का नियामक दिया हुआ है बी का भी कोई बिंदु है जो बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है तो एक बिंदु दिया हुआ है जो बिंदुओं ए दोनों नियामक दिया है और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड तो कोई दो बिंदु मान लो ए और बी ए का एक्स नियामक माइनस 6 वाई नियामक 10 माइनस 6 और 10 बी का एक्स नियामक 3 वाई नियामक माइनस 8 अब कह रहा है बिंदु जिसका एक्स नियामक माइनस 4 वाई नियामक 6 है बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है तो दो बिंदु दिया हुआ है जिसके नियामक भी दिए हुए हैं इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड ये भी हुआ इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड को कोई बिंदु तो मान लेते हैं वह बिंदु सी है जिसका एक्स नियामक माइनस 4 वाई नियामक 6 दिया हुआ ये बिंदु सी बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड को देखो दो भाग में पहला भाग ए सी दूसरा भाग सी बी दो भाग में विभाजित करता है तो कहता है किस अनुपात में विभाजित करता है तो मान लेंगे
प्रश्न में पूछ रहा है बिंदु सी, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है। माना कि बिंदु सी, ये बिंदु सी बिंदुओं ए और बी को, ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी, ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को क्रमशः एम वन और एम टू में विभाजित करता है। M1 यानी पहला भाग M1, दूसरा भाग M2, अर्थात AC हो गया तुमको M1 एवं दूसरा भाग CB ये हो गया M2, यानी M1 और M2 में विभाजित करता है। तो किसी सरल रेखा को कोई बिंदु अगर दो भाग में विभाजित करता है तो उस बिंदु का x नियामक फार्मूला से बिंदु C का x नियामक m1 x2 एम टू एक्स वन बटा एम वन जोड़ एम टू होगा। अब यहाँ पर देख लो, ये हो गया तुमको एक्स वन, एक्स वन वाई वन, एक्स वन माइनस छ है, एक्स टू एक्स डायरेक्ट है, तो चलो एम वन का मान, एम वन तो माने हैं। अच्छा, बिंदु सी का एक्स नियामक दिया हुआ है, बिंदु सी का एक्स नियामक माइनस चार, बराबर के पहले इसका मान दिया है माइनस चार, बराबर एम वन, इसका मान निकालना है एक्स टू, एक्स वन एक्स टू थ्री, ये हो गया एक्स टू, ये हो गया वाई टू, ये हो गया एक्स वन, ये हो गया वाई वन। विभाजित करने वाले बिंदु का x, x नियामक x, y नियामक y, पता है ना। तो बिंदु C का x नियामक दिया हुआ है माइनस चार, अब फॉर्मूला से m1 x2, x2 का मान हो गया तीन, m1 गुने तीन प्लस m2 गुने x1, तो x1 हो गया माइनस छ बटा एम वन जोड़ एम टू होगा। इतना देखो, इसको समझा। अब इसमें क्या करेंगे बोलो तो, समीकरण आ रहा है तीसरा गुना माइनस प्लस माइनस, चार को एम वन से गुना करेंगे चार एम वन, माइनस प्लस माइनस, चार को एम टू से गुना करेंगे चार एम टू, बराबर थ्री एम वन प्लस माइनस माइनस सिक्स एम टू होगा। इतना माइनस फोर एम वन, एम वन को इधर लाओ, ये एम वन, तो प्लस थ्री एम वन है माइनस थ्री एम वन, बराबर माइनस सिक्स एम टू, और ये प्लस माइनस फोर एम टू को आगे ले जाएंगे तो प्लस फोर एम टू होगा। ये हो गया माइनस सेवन एम वन, बराबर इसको हल करेंगे तो माइनस टू एम टू होगा। अब इसको हल करेंगे तो माइनस सेवन एम वन बराबर माइनस टू एम टू, और एम वन एम टू को नीचे लाएंगे तो माइनस टू बटा माइनस सात होगा। बोलो तो तीसरा गुना करके देखो, ये पतला है, होगा ना, माइनस माइनस कट गया, इसीलिए एम वन बटा को तोड़ेंगे अनुपात में टूटेगा,
अनुपात एम टू बराबर दू अनुपात सात, यानी ये दो भाग ये सात भाग, तो ये दो भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब सी और पीछे होगा, यहाँ होगा, कारण समझ रहा है जी। सात भाग आगे बड़ा है, ये छोटा है, ये दो भाग ये सात भाग में कटा, तो इस टाइप का हिसाब कैसे बनाएंगे, ये तुमको निकला है M1 M2, यही निकालने के लिए कहता है, किस अनुपात में विभाजित करता है, दू अनुपात सात में, यानी दो भाग ये सात भाग ये, इसके सामने में दे दो माइनस चार सौ, इसको समझा दो उतारो और अगला उदाहरण अगले पार्ट में।